हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन के लिए फ़ोटो फ्रेम कैसे बनाएं, सबसे आसान तरीका। अगर आप भी अपनी फ़ोटो या गर्लफ्रेंड की फ़ोटो के रक्षाबंधन के लिए फ़ोटो फ्रेम बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र और आप देख रहे हो टेक महेंद्र। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो दोस्तों, बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, सबसे पहले लाइक वाले बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस पर आप क्लिक करके काला कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे भी कोई वीडियो अपडेट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ये दोस्तों एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया, स्टार्ट पे आप क्लिक कर लीजिए। मैं स्टार्ट पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए, रक्षाबंधन के लिए आपको बहुत सारे आपको फ्रेम दिखाई दे रहे होंगे। जिस फ्रेम में आप अपनी फोटो को ऐड करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, मैं किसी भी एक फ्रेम पे मैं क्लिक कर लेता, उस पर मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर ऐड आते से आप कट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने ऐड को कट कर दिया। कट होने के बाद में गैलरी पे क्लिक करके आप अपनी गैलरी से एक फोटो आप ऐड कर लीजिए। दोस्तों, मैं गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेता हूँ। गैलरी पे मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने गैलरी से एक फोटो ऐड कर ली। यहाँ से आप अपने हिसाब से आप सेटअप भी कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए, फोटो सेटअप हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हो हैप्पी रक्षाबंधन, है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी मन पसंद की आप फोटो बना सकते हो और अपने दोस्तों को आप चौंका सकते हो। अगर आप फ्रेम फोटो चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा हो फ्रेम, इस पर आप क्लिक करके आप फ्रेम फोटो भी आप चेंज कर सकते हो। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। फ्रेम पे मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ से आप अपने हिसाब से आप फोटो फ्रेम भी आप चेंज कर सकते हो। ये वाला मैं सेटअप कर लेता, इस पर मैंने क्लिक कर लिया है। एड अति से आप कट कर दीजिए। यहाँ पर मेरी फोटो यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ से मैं अपने हिसाब से आप सेटअप कर लेता हूँ। मैंने सेटअप कर लिया। यहाँ से आप अपनी फोटो में आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो। अगर आप अपनी फोटो में इफेक्ट डालना चाहते हो तो यहाँ से आप इफेक्ट डाल सकते हो। यहाँ से आप इमोजी आप डाल सकते हो। दोस्तों, मैं इफेक्ट पे मैं क्लिक कर लेता, मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर दोस्तों आप इमोजी डालना चाहते हो तो इमोजी पे मैं क्लिक कर लेता, मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको इमोजी मिल जाती है जो आप अपने फोटो फ्रेम में आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए, है ना दोस्तों, बहुत ही माल को दस एप्लीकेशन है। दोस्तों, इसी एप्लीकेशन के मदद से आप अपने दोस्तों को आप चौंका सकते हो फोटो फ्रेम में अपनी फोटो को ऐड करके। अगर दोस्तों आप इस फोटो को अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हो तो सेव वाले आइकन पे आप क्लिक कर लीजिए। मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ से आप इस फोटो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ से आप इस फोटो को माई एल्बम में आप देख सकते हो। अब दोस्तों जान लेते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अपना मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर में आपको टाइप कुनार राखी फोटो फ्रेम लिख के आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको फोटो फ्रेम मिल जाएंगे। जो फोटो फ्रेम आपको पसंद से क्लिक करके बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरा वाला फोटो फ्रेम डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको आपको नीचे आना और नीचे आना, ये वाला आपको क्लिक कर लेना। मैंने क्लिक कर लिया। इसका आप लोगों देख लीजिए, इसको मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था। डाउनलोड होने के बाद में ऐसे आप इसे ओपन कर लीजिए। ऐसा करता हूँ दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।